हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटे चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक मैं लेके आ गया हूँ फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो हमारे चैनल का, इतनी ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम तैयारी जो कराते हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा कर जितने भी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले पाने के लिए। फ्रेंड्स, जो भी वीडियो है हमारा जो रियल और ऑथेंटिकेट विषयों पर बनता है फ्रेंड्स, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जितने भी नोटिफिकेशन पाने के लिए। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन हम कराते हैं, चाहे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए मैंने लेके आया है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मैं सारे के सारे टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। 2 से 3 दिन बचे हैं, तो सभी को मैं बोलूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, आपको आपके बधाई हो, आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए, आपको बहुत बहुत सपोर्ट मिलेगा, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला जो है इसको देख लेते हैं। ऑडियंस को हम लोग देखिए, ऑडियंस का अर्थ होता है नंबर ऑफ़ पीपल लिसनिंग टू ए लेक्चर, मतलब इसका वन वर्ड हो जाएगा ऑडियंस। और नंबर ऑफ़ पीपल लिसनिंग टू ए लेक्चर, क्वेश्चन बोलेगा क्या, अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर, इसका वन वर्ड बताइए, तो ऑडियंस हो जाएगा। अगर पूछे वन हु कंसिडर्स द, मतलब एल्ट्रुइस्ट मतलब होता है परोपकारी, जो कंसिडर करता है हर एक चीज़, कंसिडर द हैप्पीनेस एंड वेलबींग ऑफ अदर फर्स्ट, ठीक है, जिसे किसी दूसरे का परोपकार को पहले, सिद्धांत को पहले मानता है। एथेइस्ट का अर्थ होता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो एथेइस्ट का मतलब क्या बोला है कि जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता उसको बोलते हैं हम लोग नास्तिक, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस के जो टॉपिक हैं, मतलब इसमें वर्ड्स के, इसके आपके इंग्लिश वर्ड नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखिए इंग्लिश वर्ड को फटाफट करने में यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने जो भी मिला डाल दिया है, आपके इंपॉर्टेंट जो देख मिला वही डाला हूँ। तो देखिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज़ द इवोल्यूशंस ऑफ मैनकाइंड, मतलब संकलनकर्ता, इसका अर्थ होता है संकलनकर्ता। ऑटोक्रेसी का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स, तानाशाह या एकतंत्र, मतलब गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, एक तंत्र होकर कार्य करना। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ, ठीक है, तो एक पर्सन के बारे में उसकी पूरी जीवनी लिखना, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। एम्प्यूटेट का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, एम्प्यूटेट का अर्थ होता है काट डालना या पीस करना, टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ पर्सन बॉडी विच इज़ इन्फेक्टेड, ठीक है ना। आर्सेनल का अर्थ होता है फ्रेंड्स यहाँ पे शस्त्रागार या प्लेस ऑफ एम्यूनिशंस एंड वेपन्स, ठीक है। यहाँ पे आर्चिप्स का अर्थ क्या होता है, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर कैप्ट, यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट के या पब्लिक रिकॉर्ड, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कंप्यूटर में भी एक आर्चिव फाइल होता है या आपके फ़ोन्स में भी एक आर्चिव फाइल्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर आर्चिव फाइल, जो इसमें जिसमें आपने बहुत सारे फाइल्स को सिक्योर करके रखा है। एमेच्योर का देखिए अ मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, ये आपको प्लेजर के लिए करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का अर्थ होता है क्या, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, ठीक है ना, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, ये गवर्नमेंट नोबल्स द्वारा होता है। एक्वाटिक का क्या अर्थ होता है, एनिमल्स प्लांट्स एरे विच लिव इन वाटर, ठीक है ना, जो वाटर में रहने वाला इसको बोलते हैं एक्वाटिक प्राणी, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा देख लेते हैं फ्रेंड्स, एम्फीबियन का देखिए क्या है, एनिमल विच लीव बोथ ऑन लैंड एंड सी, ठीक है। एम्बिडेक्स्टर का होता है वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ ईज, जो दूसरे के हाथ को इस्तेमाल कर सकता है वो भी आराम से। एलिमनी का क्या अर्थ होता है, अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, ठीक है, क्लियर हो गया फ्रेंड्स। एंथ्रोलॉजी का क्या होता है, यहाँ पर अ कलेक्शन ऑफ पोएम। एबडिकेशंस का क्या अर्थ होता है, वॉलेंटरी गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, ठीक है, सारा का सारा लिखा है फ्रेंड्स। आर्बिट्रेटर अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एस्ट्रोनॉमर, अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको कोई भी वर्ड को प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में उसका वर्ड को लिख सकते हो, मैं उसको समझा दूंगा अच्छे से, क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका। तो देखते हैं दूसरा फ्रेंड्स, एंथ्रोलॉजी, यहाँ पर तो सॉरी एस्ट्रोलॉजर, अ पर्सन हु स्टडीज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना, एस्ट्रोलॉजी करते हैं जो हाथों की रेखा को देखते हैं। एंथोलॉजी अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, एंथोलॉजी होता है वो कलेक्शन ऑफ पोएम्स को। एग्जियम्स का क्या अर्थ होता है, स्टेटमेंट विच इज़ एक्सेप्टेड अ ट्रू विदाउट प्रूफ, ठीक है, जो ट्रू विदाउट प्रूफ को, मतलब स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं।
मतलब ले लेते हैं, मतलब जो भी सच्चाई है उसको ले लेते हैं, मतलब विदाउट प्रूफ के भी वो ले लेते हैं, उसको एग्जिम बोलते हैं। एजेंडा सभी को पता है, एक गवर्नमेंट का भी एजेंडा होता है, अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग। ठीक है, यहाँ पर अनार्किस्ट का अर्थ होता है वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नेंस लॉ एंड ऑर्डर। सही है, चलिए। एल्मेनिक का अर्थ होता है एनुअल कैलेंडर विद पोजिशंस ऑफ स्टार, एन एनुअल कैलेंडर विद पोजिशंस ऑफ स्टार। एल्मेनिक का और एक सेम चीज़ है फ्रेंड्स, बिगमी का क्या अर्थ होता है, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड्स एट अ टाइम। ठीक है, बिब्लियोफाइल अ लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स। ठीक है, बकेट का क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, ऑब्वियसली बकेट का होता है ये अर्थ। ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द ऑफिशियल्स। बेलिजरेंट का क्या अर्थ होता है, पर्सन नेशंस दैट इज इन्वॉल्व इन वॉर। ठीक है, बेनियल का क्या अर्थ होता है, एन इवेंट विच हैपेंस वंस इन टू ईयर्स। फ्रेंड्स इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ब्लास्फेमी का अर्थ होता है द एक्ट ऑफ स्पीकिंग, क्या होता है, द एक्ट्स ऑफ स्पीकिंग। डिसरेस्पेक्टफुल अबाउट सीक्रेड थिंग्स। ठीक है ना, सीक्रेट थिंग्स को रेस्पेक्टेबल रखते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। क्रैची का क्या होता है, नर्सरी वेयर चिल्ड्रंस आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। ठीक है, कॉस्मोपोलिटन अ पर्सन हु रिगार्ड्स होल हॉल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। कॉस्मोपोलिटन हो गया। शॉफियर का क्या होता है, वन हु इज एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ मोटर कार। ठीक है, क्यूरेटर का क्या होता है फ्रेंड्स, अ पर्सन इंचार्ज ऑफ ए म्यूजियम। कार्निवोरस, वन हु लिव्स ऑन फ्लैश। कैनिबल, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। सही है, चलते हैं फ्रेंड्स। कॉन्टेम्प्ररीज मतलब होता है बिलोंगिंग टू और लिविंग एट द सेम टाइम, समझ में आ गया। क्लॉक रूम, अ प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन, ये हो गया आपका। साइनोशियर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, साइनोशियर क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। क्रुसेड का क्या अर्थ होता है, रिलीजियस वॉर, जो धर्म के नाम पर लड़ाई होती है। कोरियोग्राफर, वन हु टीचेस डांसिंग, कोरियोग्राफर हो गया, जो डांस सिखाते हैं। कैकोग्राफिस्ट मतलब ए पर्सन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग में, जो जिनका बैड होता है मतलब पढ़ नहीं पाते हैं। कैलीग्राफिस्ट का होता है पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जो बहुत ही अच्छी कैलीग्राफी बोलते हैं इसको, जो अपने हैंड राइटिंग को बहुत ही अच्छे से सुधार कर लिखते हैं। साइनिक मतलब वन हु स्नीयर्स एट द एम एंड बिलीव ऑफ हिज फेलो मैन। ठीक है, कॉन्वलेसेंस, वन हु इज़ रिकवरिंग हेल्थ। ठीक है, कैवलरी मतलब होता है फ्रेंड्स सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्सबैक। ठीक है, सोल्जर जो लड़ाई करते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज। ठीक है, कार्टोग्राफर, वन हु ड्रॉ मैप्स, जो ड्रॉ करते हैं मैप को। डॉर्मेटरी मतलब होता है द स्लीपिंग रूम्स विद सेवरल बेड्स स्पेशली इन ए कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। सही है, चलिए फ्रेंड्स दूसरे देखते हैं। डॉर्मेटरी सेम चीज़ हो गया। ड्रोन का क्या हो गया, अ गेम दैट रिजल्ट्स नाइदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट। ड्रोन का हो गया। एलेगी का अपॉइम ऑफ लेमेंटेशंस हो गया। एपिटेफ का क्या अर्थ होता है, वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव और द टॉम इन द मेमोरी ऑफ द बरीड। ठीक है, एफर्मल का क्या होगा, एफेमेरल लास्टिंग वन डे। एफेमिनेट का क्या अर्थ हो जाएगा, अ पर्सन हु इज वुमेनिश हो जाएगा। एमिग्रेंट, अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर। ठीक है, एडिबल क्या अर्थ होता है, फिट टू बी ईटन। ठीक है, एगोटिज्म का क्या अर्थ होता है, प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग टू मच अबाउट वन सेल्फ। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया का क्या अर्थ होता है, अ बुक दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। एपिक्योर मतलब वन हु इज डिवोटेड टू द प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। फ्लोरिस्ट का क्या होता है, अर्थ होता है वन हु डील्स इन फ्लावर्स। ठीक है ना, फास्टिडियस मतलब वन हु इज वेरी सेलेक्टिव इन वंस टेस्ट। फनाटिक हो गया और बिगोट हो गया, वन हु इज़ फील्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर। फैटल का क्या अर्थ होगा फ्रेंड्स, कॉजिंग डेथ। फैटलिस्ट का क्या अर्थ होगा, वन हु बिलीव इन फेट। ठीक है, फैसिमाइल्स मतलब इन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग प्रिंटिंग एक्सेट्रा। फौना का क्या अर्थ होगा फ्रेंड्स, फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं। द फौना क्या होता है, द एनिमल्स ऑफ ए सर्टन रीजन। फ्लोरा का, द प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। फ्रेट्रीसाइट मर्डर ऑफ ब्रदर। किसका, मर्डर ऑफ ब्रदर। ठीक है,
फिगरेटिव वन, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस ऑफ द लॉ, वन हु रन्स अवे फ्रॉम द जस्टिस ऑफ लॉ। फ्रेजाइल का क्या होता है, इजी ब्रोकन, आराम से टूट जाने वाला। फेमिनिस्ट का वन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, ठीक है। ग्रेनरी का क्या अर्थ होता है, मतलब जो ग्रेन्स मिलते हैं जहाँ तहाँ से, अ प्लेस ऑफ, अ प्लेस फॉर ग्रेन्स, ठीक है ना। जेनोसाइड्स मतलब मर्डर ऑफ रेस, मतलब रेस का मर्डर होना, ठीक है। ग्रेगेरियस मतलब एनिमल्स विच लिव इन फ्लॉक्स, ठीक है। ग्रेगेरियस सेम चीज़ आ गया फ्रेंड्स यहाँ पर। हैंगर, हैंगर अ प्लेस फॉर हाउसिंग एयरप्लेन्स। हाइव का क्या, अ प्लेस ऑफ बीज। हॉर्टिकल्चर द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग एंड मैनेजिंग गार्डन्स। होमिसाइड का मर्डर ऑफ मैन। हीयर्स क्या अर्थ होगा, अ व्हीकल विच इज यूज टू कैरी अ डेड बॉडी। हेरोनिस का क्या अर्थ होगा, वन हु बिलीव दैट प्लेजर इन इज द चीफ चीफ गुड सेंशुअल। होराइजन का अ लाइन एट विच द अर्थ एंड द स्काई सीम्स टू बी मीट। हॉनररी मतलब होल्डिंग ऑफिस विदाउट एनी रिकमेंडेशंस, रिम्यूनरेशंस, ठीक है। रिम्यूनरेशंस इसका अर्थ हो जाएगा। हेरेटिक वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, ठीक है। हर्बीवोरस मतलब वन हु लिव्स ऑन हर्ब्स। हर्ब जो खाते हैं, पेड़ पत्ते पौधे खाते हैं, उसको हर्बीवोरस कहते हैं। इंसॉल्वेंट बैंकक्रप्ट अ पर्सन हु इज, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर मिसबिहेव हो गया, यहाँ पर कुछ होगा और अर्थ कट गया यहाँ पर, ठीक है। देख लेंगे उसको, मैं देख लूँगा उसको, दिखा दूँगा आपको। 89 का देखिए, इनऑडिबल अ साउंड दैट कैनॉट बी हर्ड, इनएक्सेसिबल दैट कैनॉट बी ईजिली अप्रोच्ड, इनकॉरिजिबल इनकेपेबल ऑफ बींग करेक्टेड, इन रिपेरेबल मतलब इनकेपेबल ऑफ बींग रिपेयर्ड, इलिजिबल मतलब इनकेपेबल ऑफ बींग रीड, इनकेपेबल ऑफ बींग अवॉइडेड, इम्प्रैक्टिकेबल इनकेपेबल ऑफ बींग प्रैक्टिस्ड। इमिग्रेंट मतलब अ पर्सन हु कम्स टू कंट्री, टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर। Invincible, one too strong to be overcome. Indelible, that cannot be erased. Incognito, आपने देखा होगा कि incognito मोबाइल में होता है, देखा है, ट्रेवलिंग अंडर अनदर नेम दैट वंस ओन, ठीक है। Indefatigable, one who does not tire easily, ठीक है। Infallible, तो one who is free from all mistakes and failures, ठीक है। इन्विजिलेटर, वन हु सरप्राइज इन द एग्जामिनेशन हॉल, इन्विजिलेटर, ठीक है, जो सरप्राइज कर देता है एग्जामिनेशन हॉल में आगे। इटिनरेंट मतलब वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फ्रेंड्स ये थे कुछ 100+ क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो इसको लर्न कर लीजिएगा, जितना इसको मैं बोल दूँगा आपके मेरे अपने भाषा में, इसको रगड़ लीजिएगा चाहे जितना भी हो सके। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसे लगा, वीडियो को आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।